और आज कन्वेंशन में आके बहुत अच्छा फीलिंग्स, बहुत जनों से मुलाकात हुआ और बहुत सारा चीज जानने को मिला। मेरा वैसे ये प्रोग्राम और मेरा फैमिली और मुझे जो भी सपोर्ट मिला मेरे रिकवरी में, उन सभी के प्रति मेरा हार्दिक एक आभारी हूँ, हार्दिक तौर पर आभारी हूँ, अंतर आत्मा से आभारी हूँ। क्योंकि एडिक्शन का बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सबको पता है कि अल्टीमेटली एडिक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। मैं एक्चुअली 12 स्टेप प्रोग्राम और 12 ट्रेडिशन, इन सभीों के प्रति जो एक मेरा बिलीफ सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है क्योंकि बहुत जन यहाँ पर आए और बहुत लंबे समय से क्लीन है, तो उन लोगों का शेयरिंग सुनने के बाद मेरा शेयरिंग तो मेरा बोलती ही बंद हो गया, और फिर भी मैंने साहस जुटाया और यहाँ पर परमिशन ली कि मुझे शेयरिंग करने का मौका मिले। तो मैं एक्चुअली रिकवरी में आया मेरा डर के वजह से, मैं प्रोग्राम में आया मेरा डर के वजह से, मेरा फेयर के वजह से, क्योंकि मैं जो हालात में पहुंच चुका था मौत ही निश्चित था, और तब तक मैं लड़ाई फाइटिंग कर रहा था एडिक्शन में। मुझे बहुत जनों ने समझाया, बहुत जनों ने आश्रय दिया, बहुत जनों ने ये बताने का कोशिश किया, मुख से नहीं, सिर्फ बोली से नहीं, लात जूतों से, कि भाई सुधर जा, अच्छा हो जा, टाइम अभी भी है, नहीं तो तू मरेगा। और मेरे को मरना नहीं था, मेरे को कंटिन्यू करना था, मेरे को मरना नहीं था। मेरे को लगता था कि एडिक्शन भले थोड़ी ना मेरे को मार डालेगा, कौन सा ये है, नशा करता हूँ, अपना दम से करता हूँ, अपना हिम्मत से करता हूँ, तो फिर मरने और मारने वाला सीन क्या है, मैटर है। और मुझे गुस्सा उठता था उन सभी आदमियों पर जो मुझे रोकता था, बहुत गुस्सा उठता था कि किसी चीज़ में ऐसा फ्रीडम नहीं है, मैं थोड़ी ना तुम्हारा पैसा का खाता हूँ, तुम्हारा पैसा का पीता हूँ, लातखोरी करता हूँ, मैं अपना मर्जी से करता हूँ यार। मेरा घर वाला मेरे को बोल बोल के परेशान हो गया, फिर वो लोग बोलना छोड़ दिया, और बाहर का आदमी बोलता था तो मेरे को इतना गुस्सा उठता था कि साला मर्डर ही कर लूँ। तो ये मारने मरने का चक्कर तो चलता रहा, लेकिन एंड जब लास्ट एक मोमेंट आया, मन एक सिचुएशन, एक ऐसा समय आया जहाँ पर आके मैं देख रहा था कि ना मैं केमिकल को ले पा रहा हूँ और ना ही साला छोड़ पा रहा हूँ। अद्भुत है, ये भी चमत्कार हो रहा है कि मैं केमिकल ले नहीं पा रहा हूँ, मैं जुगाड़ तो कर पा रहा हूँ लेकिन ले नहीं पा रहा हूँ। मैं एक इंजेक्टर हूँ और इतना बुरी तरीक़े से बॉडी को टॉर्चर किया है कि लास्ट में वो खून भी साला निकलता था तो बाहर में आके फ्रीज हो जाता था, अंदर और फिर बैक नहीं करता था। तो ये भी नौबत आ गया, और वो आदमी लोग बोलता था कि भाई छोड़ दो नहीं तो तू मरेगा, और मैं जाती कर रहा था, ज़बरदस्ती कर रहा था, क्योंकि मुझे छोड़ना नहीं था, एक्चुअली मुझे छोड़ना नहीं था। लेकिन जब मैं इस कंडीशन में आया, इस हालात में आया, तो मुझे लगा कि बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और भगवान के आशीर्वाद से मुझे बंद करने का अवसर मिला, एक रिहाब में चला गया मैं और नशा बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया तो फिर एक हैवी पावरफुल एटीट्यूड भी आ गया अंदर में कि साला जो चीज़ मैं कोई नहीं बंद करा सका मेरे को, वो ये 2-4 दिन का लॉक एंड की बंद करा दिया, और मेरा डिपेंडेंसी भी चला गया। अब शायद मैं थोड़ा सा खुल के पी सकता हूँ, आगे जैसा करूँगा नहीं, लेकिन खुल के पी सकता हूँ थोड़ा। ये इंजेक्ट विंजेक्ट छोड़ दूंगा लेकिन पीऊँगा तो ज़रूर। तो फिर एक टाइम आया जब मैं फिर स्टार्ट किया, और
चारों तरफ से फिर मैं हर तरह का कोशिश, हर तरह का प्रोसेस अप्लाई करते गया, चलाते गया, लेकिन एक टाइम फिर वही चक्कर, मैं मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे को जब रिहैबिलिटेशन में जब ट्रीटमेंट ले रहा था तो मुझे बताया गया था ये डिजीज है, ये है, वो है, तो उसमें भी मैं अपना अंदर में एक स्माइल, मतलब एक बोलता है बंगाली में बोलता है मुचकी हंसी, तो एक ऐसा टेढ़ा हंसी देता था और बोलता था साला क्या क्या बकता है डिजीज फिजीज। तो फिर बाहर में मेरे को ये कॉन्सेप्ट तब क्लियर हुआ जब मैं बाहर में एक्चुअली सफरिंग कर रहा था और मैं वो हर एक चीज, जैसे यहाँ एक स्क्रीन चल रहा है ना, तो मेरा आँख के सामने एक स्क्रीन भी चल रहा था, मैं एक्टिव यूजिंग में था और मैं स्क्रीन में देख रहा था कि वो हर एक चीज मेरा साथ में हो रहा है, जो मुझे इन्फॉर्म किया गया था, इन्फॉर्मेशन मुझे दिया था कि ये हो सकता है अगर तुम दोबारा यूज करेगा तो। और मैं यूज कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, और अपना अंदर ये साहस तब जुटा नहीं पा रहा था कि मैं दोबारा से रिहैब जाऊँ और उन लोगों को कहूँ कि दादा मुझे हेल्प चाहिए, मुझे मदद चाहिए। लेकिन मेरा फिजिकल कंडीशन बहुत बिगड़ चुका था, मैं नशा नहीं ले पा रहा था जैसे मैंने बोला, और एक दिन साहस जुटा के फिर गया और तब से लेके तब फिर मुझे मदद मिला। सच में मदद मिलता है अगर मदद चाहिए तो फिर मेरे को मिला और मैंने मदद लिया। मैंने अपना वो हर एक चीज़, हर एक स्ट्रेंथ, हर एक एनर्जी और जितना माथाबाजी था सबको वो गेट का बाहर छोड़ के अंदर में एंटर किया और मुझे बोला गया कि अब बेटा तुम जुबान पे लगाम जो है ना वो लगा लेना, क्योंकि पहली बार तुमने बहुत सारा जुबान चलाया था, माथा पेची किया था और इसका नतीजा तुमने भुगता है, अब मत करना। तो मैंने वही किया, मैंने पहले अपना ये बंद किया, दूसरा जो जो डायरेक्शन, जो जो चीज़ मेरा प्रति आते गया मैं सुनते गया। मुझे प्रोग्राम समझ में नहीं आता था और अभी भी बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आता है, और ये जो फर्स्ट स्टेप है ये तो मेरे को 5 साल क्लीन रहने के बाद पता चला कि पावरलेस मैं क्यों हूँ। जब मैं 5 साल में क्लीन हो चुका था तब मुझे पता चला कि पावरलेसनेस क्या है, जब मेरा काउंसलर मेरे को बताया कि अब सुन बैठ के आराम से कि पावरलेसनेस क्या है। तो आज भी मैं क्लीन हूँ और भगवान के आशीर्वाद से मेरा 12 इयर्स कंप्लीट हो चुका है, और थैंक यू। और मुझे मैं आज तक अच्छा हूँ क्योंकि मेरा हायर पावर, मेरा जो हायर पावर है, मैं मानता हूँ इस बात को कि मेरा हायर पावर मेरा डर है जो मुझे अभी भी टिकाया हुआ रखा है और मुझे खेलते रहता है कि जाओ भाई जाओ, नहीं तो फिर चलेगा, किंतु चक्कर फिर चलेगा। तो वो डर, और आज मैं शादी कर चुका हूँ, मेरा एक बच्चा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं एक फैमिली मेम्बर, मेरा माँ, मेरा भाई जो मुझे केयरिंग करता था, लव देता था यूजिंग में भी, आज मैं वो चीज़ का एहसास कर पा रहा हूँ जब मेरा खुद का एक फैमिली हुआ है। हाँ, सच मानिए तो मैं अभी भी, मेरा अंदर फादर वाला फीलिंग्स ही नहीं आया, मैं कुछ देर पहले ही शेयर कर रहा था, फादर वाला एक फीलिंग्स नहीं अभी तक जुटा पाता हूँ। मैं प्यार करता हूँ लेकिन फादर होने का फीलिंग्स, एक्चुअल रियल फीलिंग्स मेरे अंदर में शायद नहीं है, मिसिंग है। मुझे नहीं लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं आज क्लीन हूँ ऊपर वाले की मदद से, मेरा डर, उस डर का मदद से आज मुझे नशा नहीं करना पड़ रहा है। और मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे बहुत सारा सवालों का जवाब मिला थ्रू टू शेयरिंग, और मैं आगे भी अपना इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा अंदर डर बना रहे। और थैंक यू मुझे शेयरिंग करने का मौका देने के लिए, क्योंकि बहुत साहस जुटा के भी मैं भी शेयरिंग करने आया हूँ। हाँ, तो ये क्राउड मुझे पहले डर दे रहा था, लेकिन वो डर के आगे जीत है बोलता है ना, तो मैं आ गया साहस जुटा के। थैंक यू एवरीवन।